धार जिले के पीथमपुर स्थित सेक्टर नंबर 2 विकास भवन में कोरोना वायरस और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अपनी सहभागिता देने हेतु औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 2 और सेक्टर 1 के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयों को अपनी सहभागिता देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिवाइन टीम के द्वारा पिछले सर्वेक्षण में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रोटोकॉल पर कार्य करते हुए पीथमपुर निकाय द्वारा नेशनल लेवल पर पीथमपुर निकाय को नेशनल लेवल पर बेहतरीन रैंक प्राप्त हुई। साथ ही साथ अन्य नगर पालिकाओं को पछाड़कर पीथमपुर निकाय को 3-स्टार शहर का दर्जा दिया गया। मीटिंग के दौरान CMO गजेंद्र सिंह बघेल द्वारा उद्योगों की इकाइयों में HR हेड को उनकी औद्योगिक कंपनियों के आसपास सौंदर्यीकरण और वॉल पेंटिंग करवाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि पीथमपुर निकाय औद्योगिक कंपनियों के सहयोग से नंबर 1 बनने में सहयोग प्रदान कर सके। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज सर एक उद्योगपतियों की जो है विशेष बैठक रखी गई थी, किस विषयों पर चर्चा हुई और क्या निराकरण निकला इस पर? आज हम लोगों ने चुने हुए 20 उद्योगों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, नगर पालिका और DMO के साथ में हमने उनसे चर्चा की थी। मेन उद्देश्य हमारा यही था कि कोविड पीरियड में कैसे SOP का पालन करें और कोविड से कैसे बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी कार्य पे आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है कि उनके यहाँ SOP का पालन कराना है, तो वो वही 1-to-1 लोगों से चर्चा की गई थी। दूसरा साफ़ सफाई स्वच्छता को लेकर भी उनसे चर्चा की गई कि वो अपनी कंपनी परिसर के बाहर स्वच्छता बनाए रखें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, यही मुख्य मुद्दे थे। सर आज एक विशेष बैठक रखी गई थी उद्योगपतियों की, तो आपके माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर और COVID-19 जो चल रहा है, क्या श्रमिकों को परहेज करने के लिए आपने उनको क्या समझा? हम लोगों ने इन्हें बताया है, क्योंकि कोविड महामारी में सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी अपने तरीके से, सभी ने SOPs बना रखी है, उसके तहत काम कर रहे हैं। हमने इन लोगों को ये समझाइश दी है कि आप फैक्ट्री में सप्ताह में एक दिन सभी लोगों को कोरोना के बारे में बताएं और उन्हें ये सुझाव दें कि कैसे वो कोरोना से बच सकते हैं, ताकि कम से कम केसेस निकलें। अभी हम पीथमपुर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन लाइन है, ऑक्सीजन बेड, उसके तैयारी में लगे हुए हैं। 2-3 दिन में ऑक्सीजन बेड पीथमपुर में भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन लोगों को यहाँ ला के रखेंगे। बाकी सब लोगों को घर पे आइसोलेट, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है उन लोगों को हम घर में आइसोलेट करें। आने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ और उद्योगपतियों से, प्रबंधकों से क्या क्या चर्चाएँ हुई सर? आज तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में विकास भवन में मीटिंग रखे थे इसी विषय को लेके, और सभी जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए 10-20 लोगों को बुलाए थे, 15-20 लोगों को बुलवाए थे, उनसे फेस टू फेस चर्चा हुई है। तो सर्वेक्षण 2021 की तैयारी के लिए आगे को नंबर 1 बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसकी रणनीति बनाने के लिए, और जो हमारी कंपनियां यहां हैं देश विदेश की, तो इसमें अंदर जिस तरीके से ये व्यवस्थित करना चाहिए, साफ़ सुथरा गार्डनिंग सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से बाहर सड़क के दोनों तरफ कंपनियां जो हैं तो बाहर वॉल पेंटिंग कराएं, साफ़ सफाई रखें, ब्यूटिफिकेशन करें, ग्रीन बेल्ट डेवलप करें, उससे मार्किंग अच्छी होगी और जो भी लोग आएंगे, शहरवासी भी, बाहर के भी लोग आएंगे, उनको तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो हमारा सर्वेक्षण टीम आएगी तो वो इन चीज़ों को देख के ही मार्किंग होती है। तो ये उनको समझाई दिए हैं, बताए हैं कि लोग अभी प्रॉपर समय भी है, तो डेवलप करें, गिनती करें और उसको शहर को साफ स्वच्छ स्वच्छ बनाएँ, और घर उनके कंपनियों के जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, तो उसके लिए नगर पालिका की हमारी गाड़ियां रहेंगी, वो ले जाएंगे सुबह कचरा, गीला कचरा अलग अलग करके ले जाएंगे, तो अलग अलग रखें भी कंपनी में और वो प्रॉपर डिस्पोजल होगा। और अभी जैसे कहीं भी कचरा डाल दिए कि या किसी को ठेका दिए वो कहीं भी डाल दिया, तो उससे शहर में आसपास सड़क किनारे गंदगी भी दिखती है। हालांकि नगर निगम 24 घंटे नगर पालिका मुस्तैद है, 24 घंटे सफाई होती रहती है, करते भी हैं, और इससे ये इनके जो सेप्टिक टैंकों का जो माल है, ये भी ये लोग जिसको भी ठेका देते होंगे तो कहीं भी डाल दिए, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल की जजमेंट है, फैसला है, और उसमें 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है, जुर्माना करने का, तो वो उसको भी कहीं यहाँ वहाँ न डाले, ये समझाइश दी है कंपनी वालों को। इसी तरीके से भी लगातार भी इनसे बैठकें होती रहेंगी और इनको समझाइश देंगे कि लोग सहयोग करें और सभी के सहयोग से ही पीथमपुर नंबर 1 बन सकता है। धन्यवाद। आज काय की मीटिंग थी और क्या इसमें बताया गया?
आज नगर निगम ने एक मीटिंग अरेंज की थी जिसमें सारे इंडस्ट्री के जो खासकर रोड पर जो इंडस्ट्री आती है उन्हें बुलाया कि स्वच्छता का सर्वेक्षण आने वाला है, किस तरह अपनी बाउंड्री वॉल को आप सौंदर्यीकरण करें और सहभागिता से अपने पीतमपुर शहर को किस तरह अपग्रेड करके नंबर एक पर लाया जाए। और कुछ इसके अलावा? इसके अलावा मीटिंग ये थी कि कोविड का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है उसमें अपने श्रमिकों को कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, उनका प्रॉपर उनको कैसे गाइडेंस करें, अगर किसी को सिम्टम्स हैं कोविड का तो जैसे चमन सर अरोरा जी ने बताया था कि हम पीतमपुर में फैसिलिटी दी है कि 10 से 1 बजे के बीच में कोई भी अपना आधार कार्ड लेके यहाँ पे अपना कोविड टेस्ट करा सकता है। कोविड प्लस ये नगर निगम दो खासकर थे आज की मीटिंग में। जिनके नाम और कंपनी का नाम बताया? मेरा नाम मुकेश सिरोई, मैनेजर IR महिंद्रा एंड महिंद्रा पीतमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।